दोस्तों नमस्कार, मैं फूलचंद यादव ए वॉइस फॉर यू में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज का हमारा विषय है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इसकी चर्चा समस्त भारत में लगभग घर घर में हो रही है, तो ये जानना आवश्यक है कि ये होता क्या है। अगर इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोल, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं है, ये आप मान लीजिए ये राजनीतिक पार्टियों को वित्तीय चंदा या धन संग्रह करने का एक माध्यम है। ये उस तरह से माध्यम है जैसे कि आप जानते होंगे आज के कुछ दिन पहले किस भारतीय डाक घरों में एक किसान विकास पत्र पड़ता मिलता था, उसमें सीरियल नंबर रहता था, आप 1,000, 5,000, 10,000 का आप खरीद लीजिए। उसकी एक तय सीमा होती थी कि आप 5 साल में 10 साल में 12 साल में 20 साल में इतना पैसा आपको मिलेगा। ठीक उसी तरह का एक प्रपत्र नमूना इलेक्टोरल बॉन्ड का है जो वित्तीय बजट 2017-18 में जो है लागू किया गया कि इसके जरिए, या एक वचन पत्र है इसके द्वारा राजनीतिक पार्टियों को आप चंदा दे सकते हैं। अब बात है क्या, आप भारतीय स्टेट बैंक में SBI में अच्छी ब्रांच में आप जाइए, वहां कहिए कि हमें एक इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए जिसकी कीमत होती है 1,000 से लेकर आप करोड़ों रुपए की ले सकते हैं, मिनिमम 1,000 रुपए की। जब वहां जाते हैं तो आपको एक बॉन्ड पेपर तरह मिल जाता है जिसमें KYC कराना होता है आपको, पैन कार्ड आधार कार्ड दे करके आपको नाम पता है, लेकिन जो बॉन्ड आपको मिलता है उसमें आपका नाम अंकित नहीं होता है। ठीक है, आप उसकी वैल्यू 1,000 उस बॉन्ड उस पेपर को ला करके, इलेक्ट्रोल बॉन्ड को आप ला करके किसी राजनीतिक पार्टी की, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल हो, BRS हो, किसी भी पार्टी को जिसे आप समझे दे सकते हैं। और अब ये तो हुआ वो है, अब आज बात जो है चर्चा क्यों हो रही है, 22,000 बॉन्ड जो थे जिसका हिसाब किताब जो इलेक्टोरल बॉन्ड से लिया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका हिसाब किताब देना है तो हाथ जोड़े SBI खड़ी हो गई कि न्यायमूर्ति न्यायाधीश योर ऑनर मालिक हम आपको हिसाब नहीं दे पाएंगे, ये बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है जिसमें समय लगेगा 30 जून तक, तब तक तो समझ लीजिए 2024 का चुनाव समाप्त हो जाता है। लेकिन परम आदरणीय श्रद्धेय न्यायमूर्ति का जिसे कहा लिया जाए CGI चंद्रचूड़ जी ने जब अपना हंटर चलाया, चाबुक चलाया, नहीं आपके ऊपर अवमानना का केस होगा इसको आप दे, तो 14 मार्च तक जो है कितना चंदा आया SBI ने चंद्रचूड़ सामने प्रस्तुत कर दिया, जिसका सारा खाका डाटा चुनाव आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध हो गया। ये चंदा कहाँ से किसने लिया किसने दिया। अब आज जो लोग शर्मिंदा होंगे जो कभी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये क्लियर हो गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक लाभ कैसे पहुंचाया जाता है। दोस्तों एक घटना मैं बताऊं, नवंबर का महीना याद होगा, पिछले महीने नवंबर में 2023 में सिलकारा जो टनल है उत्तराखंड के, जिसमें हमारे 41 मजदूर फंसे हुए थे। और आप कहेंगे इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, हाँ चर्चा का विषय है। जिसका उस टनल के कॉन्ट्रैक्ट मिला था नव निर्माण इंजीनियरिंग कंपनी को, उस कंपनी ने, आप सोचिए हमारे 41 मजदूर फंसे हुए थे लेकिन उसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब भेद खुल करके आया, राज खुल करके आया, उसके पीछे का कारण क्या था, उसके पीछे का कारण क्या था, तो सिलकारा में जो मजदूर हमारे टनल में फंसे हुए थे नवनिर्माण कंपनी के ऊपर पहले ED CBI जैसे छापा सरकार डलवाती है उसके ऊपर छापा डाला गया। उसके ठीक 6 महीने बाद ये कंपनी एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है पहले 10,000 करोड़ का, फिर उसके बाद 45,000 करोड़ का, कुल 55,000 करोड़ का जो है इसने बॉन्ड इलेक्टोरल खरीद करके राजनीतिक पार्टी में सरकार को दे दिए। अब ये राज खुल करके आया कि यही वजह थी क्या, जो सरकार ने
इतना चंदा लिया और इस कंपनी के ऊपर कोई कठिन कार्रवाई नहीं की गई। मित्रों ये विश्लेषण करके गर्व हो रहा है अगर आप सोचेंगे कि हमारी सरकार के प्रमुख मुखिया जो है कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। अरे ये चंदे का धंधा तो भारत में बहुत पहले से फल फूल रहा है, कब नहीं लिया गया? कभी मंदिर के नाम पे लिया गया चंदा, कभी सामाजिक एकता के नाम पे चंदा लिया गया, कभी विकास परिवार के नाम पर किया गया, कभी धार्मिक कार्यों के नाम पे चंदा लिया गया। चंदे का धंधा तो भारत में पहले से फूल रहा है। तो सरकार ने अच्छा कहा था कि ये बात गुप्त रखी जाएगी, इतने दिन तक नहीं खुला। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या घुसखोरी है, अगर इसका हिसाब किताब ना मिले तो घुसखोरी है। अब इसका राज खुलने के बाद लोग मुंह लटकाए जो है फिर रहे। वस्तुतः सच्चाई क्या है ये विदित हो चुका है, सबको बताने कोई जरूरत नहीं है। अब लोग जो है कुछ अपने आप में आत्मग्लानी महसूस कर रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं कि राज क्यों खुल गया। अब एक विशेष बात सोचने की है कि क्यों कह रही थी SBI कि हमें 30 जून का समय लगेगा। आप बताइए कि इस कंप्यूटर युग में लाखों करोड़ों का ट्रांजेक्शन, अगर आप 10 रुपये किसी को UPI के माध्यम से भी करते हैं तो उसका हिसाब किताब बैंक से भी मिल जाता है, आपके मोबाइल में भी हो जाता है सारा ट्रांजेक्शन जो है, कितना लेन देन होता है, कितने लोग मोबाइल चलाते हैं जो बैंक से जुड़े होते हैं, UPI से जुड़े होते हैं, सारा हिसाब किताब। अब नहीं तो 2-4 साल बाद डेट डालते, नाम डालते, सब कुछ आ जाता है। ये तो पारदर्शिता सरकार को जो है अपनाना था, शायद अपनाती भी नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट के CGI चंद